टी20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबला होने वाला है। दोनों टीमें 5 साल बाद टी20 में आमने सामने होंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी टी20 मुकाबला 19 मार्च 2016 को हुआ था। तब आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था। टी20 वर्ल्ड कप 2021 का आगाज 17 अक्टूबर को हो चुका है। भारत और पाकिस्तान की टीम टी20 वर्ल्ड कप में 5 बार आमने सामने आ चुकी है। इन सभी में भारत ने पाकिस्तान को हराया। ओवरऑल टी20 की बात करें तो भारत और पाकिस्तान ने 8 मैच खेले हैं। इसमें टीम इंडिया ने 7 और पाकिस्तान ने केवल 1 मैच जीता। एक मैच भारत ने टाई होने के बाद बॉल आउट में जीता था। 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। लगातार सीज फायर का उल्लंघन और 2019 में हुए पुलवामा अटैक के बाद दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए। दोनों ने 2007-08 सीजन के बाद से टेस्ट सीरीज में एक दूसरे का सामना नहीं किया है। हालांकि दोनों टीमें आईसीसी टूर्नामेंट्स में एक दूसरे के खिलाफ खेलती रही हैं। इतना ही नहीं, भारत और पाकिस्तान ने 9 साल से कोई भी द्विपक्षीय सीरीज भी नहीं खेली है। दोनों के बीच पिछली टी20 और वनडे सीरीज दिसंबर 2012 में खेली गई थी। टी20 सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही थी। वहीं वनडे सीरीज को पाकिस्तान ने 2-1 से जीता था। 2017 से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 वनडे ही खेले हैं। ये सभी मैच आईसीसी टूर्नामेंट का हिस्सा रहे। इसमें 2 मैच 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, 2 मैच 2018 एशिया कप और 1 मैच 2019 वर्ल्ड कप में खेला गया। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।